मैं समझता हूं 5 अगस्त सौभाग्य का दिन है जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों के जीवन के अंदर एक नई सुबह, जीने की आजादी, खुशहाली और अधिकार लेकर आया, जिसने जंजीरों से, 370 की जंजीरों से जम्मू कश्मीर को मुक्ति दी है। ये एक ऐतिहासिक दिन है और 370 के उन्मूलन के लिए पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था और आतंकवाद से मुक्ति मिले, महिलाओं को अधिकार मिले, एससी भाइयों को, एसटी भाइयों को, गुजरों को, बकरवालों को, पहाड़ियों को, जिनको दशकों से कुचल कर रखा गया था, उनको अधिकार मिले और 3 परिवारों की लूट से जम्मू कश्मीर को बचाया जा सके। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बंद हुई, आप कह रहे क्या बदलाव आया? सबसे बड़ा बदलाव है कि जो टेररिज्म कैपिटल बन गया था जम्मू कश्मीर, वो आज टूरिज्म कैपिटल के रूप में खड़ा हुआ है और आतंकवाद का जड़ से समाप्ति हो उसके लिए हमारी सरकार ने काम किया। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बंद होना, अलगवाद और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रदेश में सुख शांति का माहौल बनना और पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को, पीएचजे के विस्थापितों को 46,000 केनाल भूमि अमंडित होना, यह गलत है। ऐसी भाइयों, वाल्मीकि भाइयों को जो अपमान हो रहा था उसके बदले में उनको अधिकार मिले, क्या यह गलत है? ये गुज्जर बकरवाल समुदाय के हितों के लिए जो निर्णय लिए गए हैं वन अधिकारों के प्रति, अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिकार, राजनीतिक आरक्षण उनको, सरकारी नौकरियां संस्थानों में आरक्षण, पहाड़ी भाइयों को आरक्षण, और उसको आरक्षण देते हुए गुज्जर बकरवाल समाज के अधिकारों पर बुरा असर ना पड़े, ये हमने करके दिखाया है। केवल व केवल एनसीपी, पीडीपी और नेहरू गांधी परिवार, ये मुफ्ती अब्दुल्ला और नेहरू गांधी परिवार, जिनकी दुकान कश्मीर, अपने आप को 370 के बाद सौभाग्यशाली मान।